मेरा नाम डॉक्टर अभिसार कटियार है। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में काम कर रहा हूँ। आज जैसे कि आपको पता है कि इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, यह मौसम जोड़ों के लिए बहुत ही दुखदायी होता है। इस मौसम में जोड़ों का दर्द अक्सर जिन मरीजों को पुराना जोड़ों का दर्द होता है वो थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। ऐसे मौसम में अपने आप को इन जोड़ों के दर्द से बचाने के दो तरीके हैं। पहला, हम अपने शरीर को इतना गर्म या वार्म रखें जिससे कि जोड़ों पर थोड़ा असर कम पड़े, और हम थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी या चलना फिरना एक्सरसाइजेस जैसी चीज़ें करते रहें जिससे कि अगर हमारे जोड़ चलते रहेंगे तो उनमें जो चिपकना या उनमें दर्द थोड़ा सा कम होगा। दूसरी तरफ से ये है मेनली जो प्रॉब्लम है, ये सब थोड़े ओल्ड एज के लोगों को या यंग एज के लोग जिनको आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय जिनको होती है उनमें भी ये पाया जाता है। तो हम यही कहेंगे कि इन सर्दियों के मौसम में अपने जोड़ों की रक्षा करने के लिए आप एक्सरसाइज और नियमित व्यायाम बहुत ज़रूर से करें। दूसरा, आजकल के बच्चों में विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी काफ़ी पाई जाने लगी है। ये छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में एकदम रैम्पेंट प्रॉब्लम है सब में। हम इसका निचार कैसे कर सकते हैं? पहला, हम थोड़ा सा धूप में ज़्यादा बैठने की कोशिश करें और कैल्शियम वाली चीज़ें जैसे दूध, घी, पनीर, चीज़, ब्रोकली आजकल आ गई है, या मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उनका सेवन अपनी थोड़ा सा बढ़ा दें जिससे कि शरीर में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी रहेगी। विटामिन डी चूंकि सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी में ही बनता है, तो अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार से कमी हो रही है तो कृपया करके डॉक्टर से सलाह लें और उससे नियमित तौर पर डोज कितनी होनी चाहिए, कितनी दवा खानी है, ये आपको पता चलना चाहिए। तो इस तरह से जोड़ और हड्डियाँ दोनों मजबूत रहेंगी तो ये सर्दी बहुत अच्छे से आपकी कट जाएगी। धन्यवाद।